नवरात्र का आज चौथा दिन है। गुरुवार को देवी कुष्मांडा के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ा। भक्त भोर से ही माता के दर्शन के लिए लाइन में लग गए। लोगों ने दुर्गा कुंड स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान मंदिर व पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नवरात्र के चौथे दिन आदिशक्ति के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना का विशेष विधान है। दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर काशी के प्राचीन मंदिरों में शामिल है। इसका उल्लेख काशी खंड में भी आता है। नवरात्र में 9 दिनों तक सारे देवों की शक्तियां विचरण करती हैं। हर व्यक्ति अपने पत्नी माँ और बच्चों को लेकर आता है। यहाँ पर संतान उत्पत्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। कुष्मांडा का अर्थ है सुबह की कुशा के समान, जो निर्मल और स्वच्छ हो। मंदिर के पीछे कुंड है और यहाँ पर स्नान कर लोग अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। माँ कुष्मांडा सिर्फ गुड़हल की कली से ही प्रसन्न हो जाती है। नवरात्र के पूरे 9 दिन दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में माँ के दर्शन पूजन के लिए एक समान भीड़ उमड़ती है। 9 देवियों की अलग अलग पूजा होती है, मगर इस मंदिर में हर 9 देवियों को पूजने वाले श्रद्धालु आते हैं। माँ का दर्शन करने से शत्रुओं का विनाश होता है, सुख शांति और धन का वैभव की प्राप्ति होती है। भक्तगण माँ को बेलपत्र, नारियल और चुनरी चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्र का चौथा दिन है, माता कुष्मांडा का दिन है। ये नव दुर्गा में चौथा दिन माता कुष्मांडा का है, उन्हीं का दर्शन। ये विश्व प्रसिद्ध बनारस में माता दुर्गा है, कुंड के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कुष्मांडा माता यहाँ विराजमान है। कब से दर्शन पूजन स्टार्ट हुआ? रात 2 बजे विराट आरती के बाद दर्शन पूजन स्टार्ट हुआ। रात 1 बजे तक मंदिर खुली रहेगी। आज के दिन लगभग 2 लाख दर्शनार्थी दर्शन करेंगे। मान्यता क्या है मंदिर का? मान्यता मंदिर का है कि यहाँ भी जो भी आदमी आता है उसका सभी मनोकामना पूर्ण होता है। सुशील अरोड़ा, कितने सालों से यहाँ पे दर्शन करते आ रहे हैं और क्या है मान्यता? हम दर्शन तो हम बचपन से अपने डेली दर्शन करते हैं। जब भी कहीं जाते हैं पहले बिना माँ का दर्शन किए कहीं जाते ही नहीं है। और संडे हो चाहे कर्फ्यू लगा हो तब भी हमारे पास है। हम यहाँ से आके मंदिर के बहुत पुराने हैं। मंदिर के विषय में यही मानता है कि मंदिर का माँ का बहुत बड़ा एक चौथा दिन है। आज उनका बहुत बहुत महत्व है कमंडा देवी, इसलिए इनके यहाँ के दर्शन के लोग बहुत तीर्थ हो जाते हैं। नवरात्र के किस दिन यहाँ पे दर्शन पूजन का विधान है? विधान तो बहुत अच्छा है। इस बार मंदिर की प्रेरणा में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, जो जगह जगह इन्होंने सुरक्षा लगाए हैं, लाइनों से व्यवस्था कर रहे हैं। इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। अगले सालों से आने वाले समय में ये और अच्छा होगा, मंदिर का भाव होगा। जी मेरा नाम सोनू झा है। किस तरह का दर्शन पूजन चल रहा है? आदि काल से ये माँ कुष्मांडा का मंदिर विराजमान है दुर्गा कुंड में। सारे जगह मंदिरों के पास कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ कुंड विराजमान है, जहाँ कुंड की महत्वता भी है कि कुंड में स्नान करने से अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको किसी प्रकार का रोग ब्याधा है तो उससे आपको हरण मिल जाएगा, मतलब उससे आप ठीक हो जाएंगे। और माँ कुष्मांडा ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके नाभि में विराजमान हो, वो माँ कुष्मांडा जो कुशा की तरह शांत हो, वो माँ कुष्मांडा, इनको कहा जाता है अड़हुल का एक कली देने से ये अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सारी मनोकामना पूर्ण। आप देख रहे हैं यहाँ हर तरह के खम्भे हैं, हर खम्भों की अपनी अपनी शक्ति है। और यहाँ कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ अगर आप अपने दिल से एक माला जाप करते हैं तो वो जरूर पूर्ण होगी। आदिकाल से माता जी यहाँ विराजमान है। और यहाँ कहा जाता है कि रानी भवानी ने इसका उदाहरण है, जीवन उद्धार वो रानी भवानी जी ने किया। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।